नमस्कार, मैं पूजा कपूर और आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। इस वक्त हमारे साथ हैं बाल भारती इंग्लिश स्कूल के प्रधानाचार्य बी आर मेहदी बख्त साहब। आइए जानते हैं कि सरकार ने जो निजी स्कूलों की फीस बढ़ाने की सीमा 8.98% तक रखी है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने अपने यहाँ का फीस काफ़ी कम बढ़ाया है, लगभग 3% के आसपास में। तो इसके पीछे की सोच क्या थी? इसके पीछे हम लोगों की सोच ये थी कि ये फीस जो गवर्नमेंट के हिसाब से हम लोगों ने कैलकुलेट करके जब देखा तो काफ़ी ज़्यादा ये बढ़ जा रही थी, और हम लोग इतनी ज़्यादा फीस कभी बढ़ाते नहीं। अध्यादेश के पहले भी हम लोगों का रिकॉर्ड रहा है कि हम लोग फीस एक अंदाज से बढ़ाते थे, और ऐसे बढ़ाते थे कि पेरेंट्स को इसका की परेशानी न हो। और तो हम लोगों ने जब ये देखा कि बहुत ज़्यादा ये फीसें बढ़ रही हैं, किसी किसी क्लास में तो ये 400-400 रुपये तक जाके बढ़ जा रही है, तो हम लोगों को लगा कि ये बहुत गलत होगा, और इसलिए इसको पूरी तरीके से अपने ढंग से ही बढ़ाया जाए, और उसका प्रतिशत हम लोगों ने काफ़ी कम किया। बाल भारती इंग्लिश स्कूल 1966 में अपना सफ़र प्रारंभ किया था, तब से लेके अब तक की बात करें तो वाराणसी के अगर टॉप 5 स्कूलों की बात करें ICSE बोर्ड से, तो आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? ये नहीं कहेंगे कि हम लोग टॉप 5 में हैं या हम लोग द बेस्ट स्कूल हैं, इस तरह का हम क्लेम नहीं करते हैं, क्योंकि सभी स्कूल, हमारा मानना है कि अपने बेस्ट देने के लिए प्रयासरत हैं, और हम भी, हमारा भी प्रयास हमेशा से रहा है कि हम बेहतरीन से बेहतरीन एजुकेशन दे पाए बच्चों को, और अफोर्डेबल रहे दूसरी बात ये है, और तीसरी बात ये है कि मतलब शिक्षा सिर्फ एकेडमिक्स ना होके उनका एक ऑलराउंड डेवलपमेंट बच्चों का हो। इस तरफ से प्राइवेट स्कूलों को लगातार नकेल कसने के लिए नए नए नियम आ रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? हमारा ये कहना है कि ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, और ये स्कूलों की ऑटोनॉमी को अफेक्ट करेगा इन द लॉन्ग रन, और स्कूलों की जो मतलब बेहतर क्वालिटी जो प्रदान कर सकते हैं उसको प्रदान करने में कहीं ना कहीं ज़रूर बाधा पहुँचाएगा। और ज़्यादा अच्छा ये हो कि सरकार अपनी जिम्मेदारी महसूस करे, और जो सरकारी स्कूल है उसको बेहतर बनाने की कोशिश करे, और जो शिक्षा पे बजट खर्च होता है जो कि बहुत कम है, हम लोग तमाम देशों से, विकासशील देशों से मुकाबला करके देख लें, या फिर जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनसे भी मुकाबला करके देख लें, तो हम लोग बहुत पीछे हैं अपने एजुकेशन बजट में। वो चीज़ बहुत ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए ताकि आम जनता के सामने बहुत बड़ा विकल्प खुला रहे, और लोग को अच्छी शिक्षा सरकार द्वारा एकदम फ्री दी जाए। हमारा तो ये है।